बस बाहर फील करती हैं शोल्डर आपको काफी लाइट लगेंगे अभी. यस इट इज. हाँ. What is going on, crack addicts? Welcome back to the channel. Now, in today's video, I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors with some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. Now, let's get into it, and I'll see you on the next one. Up next, we have Dr. Harish Grover. This is short, I think. ये वाला ऊपर है हिप. अच्छा ऐसा भी होता है ऐसा. पोस्चरल फॉल्ट द वे वी सेट द वे वी ड्राइव आवर कार एंड वी डू सर्टन टाइप ऑफ एक्टिविटी द वे वी सेट वी हैव अ सर्टन टाइप ऑफ सिटिंग हैबिट क्रॉस लेग करके एक ही तरीके से बैठना लेना तो क्रॉस लेग करके मेरे चैनल भी क्रॉस हाँ तो फिर जब हम ऊपर इस लेग को बार बार ऐसे करके रखते हैं ना बार बार तो यहाँ का क्यूएल क्वाडिटस मसल और इलियोस वास क्लोज योर आईज. इसका नीचे वाला पार्ट टाइट है यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लीजिए अपनी तरफ खींचे सांस लें छोड़ें. ये आपकी हड्डियाँ ही बज रही हैं मेरी नहीं बज रही. दस हो गया अब छोड़ दें अब छोड़ दें बस सांस अंदर बाहर. यहाँ पे पोस्चर की वजह से ना ऐसे घूम गए आगे की तरफ शोल्डर. इनको ऐसे रखना चाहिए स्कैपुला गिरा देता है इनको. सांस अंदर लें छोड़ें प्लीज़ परफेक्ट. फिर से लें छोड़ें आउट परफेक्ट. ब्रीदिंग आउट वन मोर आउट. ये कप बहुत ज़्यादा है गड्ढा बहुत ज़्यादा है अंदर आपका. इसको हाइपरलोडोसिस बोलते हैं एक्चुअली. जब एपीटी होता है पल्विस जो होता है तो कप बन जाता है गड्ढा चला जाता है. अब इस गड्ढे की वजह से यहाँ पे ना स्टिफनेस और सोरनेस रहने लगती है इस लाइन पे. सो इसको फिक्स करने से इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको. ब्रीदिंग आउट वन मोर आउट. Breathe in again. Breathe out. Breathe in again. Out. Perfect. This way. Relax. Easy. यहाँ पे यहाँ भी और तलवों में यहाँ पे इसको भी हम कर लेंगे.
ये स्पाइन अलाइनमेंट है सारा जो जो हम कर रहे हैं। ब्रीथ इन कर रहे हैं, आउट, यस, इस तरफ, इस तरफ टाइट है या उस तरफ टाइट। ब्रीथ इन विद आउट। पुश कर दीजिए एल्बो को पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। अच्छा ही था, हाँ जोर से। परफेक्ट, लाइन ऑन दिस बेंच राइट देयर। Hold this guy. Keep on coming, ma'am. Keep on coming. Breathe in. Breathe out. Ow. This way. Bend to right there. Yes. Giraunga nahi aapko. Just keep on coming. Breathe out. Perfect. Straight leg down. You are lucky. Easy. Perfect. काफी balanced हो गए हैं, थोड़ा सा फर्क रह गया है इसकी वजह से, शायद वो थोड़ा सा इस तरफ आएंगे। बस लूज कर दें शोल्डर, शोल्डर कर दें नेक्स्ट। बस चेक कर लेते हैं, थोड़ा सीधा लेते हैं प्लीज। यस, इट्स परफेक्टली फाइन, दोनों बराबर हैं। लुक एट दिस, रेडी, पहले क्या आगे था? यस, छोटा बड़ा था फर्क हुआ। लास्ट एंगल लेग सेट डाउन प्लीज, थोरैसिक स्पाइन का रह गया है बस। ऊपर देखें सामने की तरफ, पीछे आएं, सांस लें, छोड़ें, परफेक्ट। बस यहाँ रख दीजिएगा, इसको भी दीजिए। सुनाई नहीं दे रही हैं आपको एक्चुअली, क्योंकि जो पास के जॉइंट हैं उनकी आवाज़ें कानों तक आपके पहुंचेंगी। जैसे नी कर रहा हूँ, हिप कर रहा हूँ, एंकल कर रहा हूँ, कानों तक आने में 5 फुट का जो डिफरेंस है वहाँ तक आते थे, साउंड कम हो जाती है। इट्स देयर ओनली, किसी की कम आती है, किसी की ज़्यादा आती है। ये रेंज ऑफ मोशन के लिए हमने किया है। गेट मी योर ईयर, इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि कान बिल्कुल नहीं आ रहा, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अब चेक करके देखें कि खड़ा होके चल के देखें कैसा फील करती हैं शोल्डर, आपको काफी लाइट लगेंगे अभी। यस इट इज, हाँ यस यस, और हाइट बढ़ गई मेरी। हाँ, आई थिंक इससे आई एम फीलिंग, हाँ वेट भी कम हो गया क्या? बट आई एम फीलिंग लाइट ऑल्सो, आई वॉज फ्लेक्सीबल बट नहीं, बट इट्स टोटली मतलब दिख रहा है मुझे, आई कैन फील इट, आई कैन सेंस इट कि दिस साइड वैसे भी मेरा बहुत रहता है विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, लेकिन अभी इट्स वेरी लाइट। अब ऐसा हो गया, ओके, हाँ मैंने मिरर में नहीं देखा, बट आई कैन फील इट, आई एम फीलिंग इट कि इट्स या मतलब हाँ। If you made it to the end of the video, guys and girls, thanks for watching and don't forget to subscribe for more.